हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज और चलते हैं नई टिप्स के साथ में किचन में। बने रहना ब्लॉग पूरा देखना, हो सकता आपके फायदे की बात हो। पूरा ब्लॉग देखिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, है ना। ठीक है, चलिए किचन में। बालों में मेहंदी लगाने का एक नया तरीका है ना, इससे बाल सफ़ेद भी नहीं होंगे और अच्छे भी रहेंगे। और ये प्रॉब्लम रहती है बार बार की ठंडी में हम मेहंदी कैसे लगाएं, तो उसके लिए भी मैं ये सटीक उपाय लेके आई हूँ। आप ये वीडियो ज़रूर देखें अंत तक, है ना। और मैंने क्या क्या आइटम लिया है देखो। मेथी दाना लिया है एक चम्मच, ये सूखा मैंने अपना लिया है, ये कड़ी पत्ता, मीठा नीम, ये कटोरी मैंने मेहंदी ली क्योंकि मेरे बाल कम है, ज़्यादा लंबे नहीं है। आपके बाल बड़े हो तो आप दो कटोरी भी ले सकते। और ये है मेरी कॉफ़ी, ये कॉफ़ी मेरे पास में थी, मैं कोई कंपनी और ब्रांड की नहीं है, ये क्या है मैं गायत्री परिवार से जुड़ी हूँ ना, वहाँ पे बनी हुई कॉफ़ी मेरे पास रखी हुई थी। और ये है लौंग, आप अपनी तासीर के मान से लौंग बढ़ा भी सकते घटा भी सकते, मैंने चार ली। आप आड़ भी लग मैंने आपको गर्मी सूट होती है जैसे गर्म ठंडी के दिन में, तो आप आड़ भी ले सकते हो, है ना। ठीक है, अब कढ़ाई रखी है मैंने, है ना। ये दो गिलास, एक गिलास पानी है, ये दो कप के मान से ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं गैस लगा देती हूँ, कढ़ाई लोहे की रहती है मेरे पास, है ना। और लोहे की कढ़ाई ज़्यादातर लेना चाहिए क्योंकि उसमें आयरन रहता है और जो बालों के लिए बहुत उपयोगी होता है। ये पानी थोड़ा सा गर्म हो गया, उसके बाद मैं आप ये मेथी दाना डाल दीजिए। उसके बाद ये लौंग डालिए। लौंग का क्या कारण है, लौंग जैसे आप ठंडी में परेशान रहते कि मेहंदी कैसे लगाएं, तो लौंग से मेहंदी थोड़ी सी गर्म हो जाती जो आपके बालों के लिए भी नुकसान नहीं और आपके शरीर के लिए भी नुकसान है, इसलिए लौंग डालते हैं। अभी तो थोड़े गर्मी के दिन आ गए, तो ठंडी में भी आप मेहंदी का उपयोग कर सकते हो। अपन बोलते हैं ना मेहंदी अब ठंडी में कैसे लगाए, सर्दी जुकाम हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, ये लौंग बहुत उपयोगी है, यह आपके बालों में भी अच्छी उपयोगी देंगी और उसके बाद में आपके शरीर को भी साथ देगी, ठंडी और जुकाम से बचाइए। उसके बाद ये मीठा नीम डाल दिया, ठीक है। इनको तीनों को उबल जाने, दो कप पानी को अपने को एक कप पानी करना। उसके बाद अपन डाल देंगे ये क्या है अपनी कॉफ़ी, देखो कॉफ़ी को भी उबालना है, इसको भी एक दो सेकंड तक उबालिए। और ये मेहंदी आपको बहुत उपयोगी है क्योंकि इसमें लौंग डाल दी ना, तो बिल्कुल आपकी अपन बोलते हैं ना जब सर्दी जुकाम होती तो एक लौंग खाने से बहुत फ़ायदे होते। आप चाहो तो इसमें आठ लौंग तक भी डाल सकते हो, पर अभी ठंडी का मौसम कम हो गया तो इसलिए मैंने आपको चार ही डाली। इतनी भी ठंडी नहीं गई है, सवेरे सवेरे तो लगती है, मॉर्निंग में भी नाइट में भी थोड़ी थोड़ी लगती है, अभी भी आखिरी में अपनी बॉडी को बहुत नुकसान करते है ये ठंडी गर्म जो मौसम रहता है ना, ये भी सर्दी जुकाम बुखार वाला रहता है, इसलिए मैंने लौंग वाला बताया आपको मेहंदी। ये अपना पानी हो गया एक कप के करीब, अब इसमें अपन मेहंदी घोलेंगे। तो मेहंदी में इस बड़े बर्तन में घोलेंगे, ये बहुत ज़्यादा लोहे का आयरन का जिसमें इसमें छेद छेदे, मेरे पास बहुत पुराना है ये, बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा है मेरे बालों के लिए, तो मैं इसमें करूँगी क्योंकि वो कढ़ाई में तो मेहंदी फूलेगी ना इसकी वजह से, मैं इसलिए मैं बड़े बर्तन में घोलूँगी। मैं छान लेती हूँ पानी को, एक हाथ से मोबाइल है मेरा और एक हाथ से, ठीक है मैंने छान लिया। और अब आप बोलोगे ये इसे फेंकने में जाएंगे, नहीं ये फेंकने में नहीं जाएंगे, आप इसको मिक्सी में पीस लीजिए, है ना, और चाय की पत्ती में डाल के या तो पीस लीजिए, आप चाय की पत्ती डाल दीजिए और थोड़ा सा उबाल के, और ठीक है, और उसके बाद में इसको मिक्स कर लीजिए, है ना। ये मेथी दाने तो बहुत उपयोगी रहते हैं अपने लिए, फ़ायदेमंद रहते हैं, है ना। ये बीज ये देखो पक भी गए, तो इसका पेस्ट बना के अब ये मेहंदी लगाने के बाद में भी इसका पेस्ट अपने बालों में लगा के फिर धो सकते हो आप, कम से कम आधा घंटा रख कर,
इसको भी फेंकना नहीं है आपको। आप सोचेंगे कि इसको फेंक देंगे, नहीं फेंकना नहीं है, इसको भी उपयोग में लेना है। आप चाहो तो फेंक दो या आप चाहो तो इसका भी पेस्ट बना के अपने बालों में लगा सकते हो। आप मेहंदी लगाने के बाद जब धोएंगे ना उसके बाद तो बहुत शाइनिंग मारेंगे। अब मैं इसका इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करके, क्योंकि बर्तन बड़ा है मेरे लिए, वो छोटा सा बर्तन था। और ऐसा नहीं है कि आप ये पानी जैसे कम पड़ गया या ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है कि आप दूसरा पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो कस था वो तो अपन ने डाल ही दिया ना इसमें। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा पानी यूज नहीं कर सकते, कर सकते हो आप, क्योंकि मेहंदी फूलती है ना बहुत। थोड़ा सा पानी मैंने ये वाला भी इस्तेमाल करे, क्योंकि अपन ने उसका तो सब पूरा जो थे सब उपयोगी चीज़ें वो तो अपन ने इसमें मिला ली, इसमें कोई वो दो राय नहीं है, है ना। ठीक है, इसको गला के आप 24 घंटे के लिए रख दीजिए, फिर आपके बालों में लगाना है। और आपके बालों को लगा कर 4 घंटे तक रखिए उसको, और फिर बालों को देखना और मुझे कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताना, सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई थी। ये हो गया, अब मैं इसको ढक कर रख दूँगी और इसको पीस कर भी रखूँगी मैं, ताकि अपने सिर को ये सब मेहंदी लगाने के बाद धोने के बाद में मैं बालों में लगा लूँगी। चलो अब मैं ब्लॉक की एंडिंग देती हूँ। बालों में मेहंदी में जो जो चीज़ें डालकर इस प्रकार से उपयोग करके ट्राई करके ज़रूर देखना, है ना, उसके फायदे ही फायदे हैं, है ना। और मैं जो ट्राई करती हूँ वही आप लोगों को YouTube फैमिली को बताती हूँ, और आप लोग देखकर आगे बढ़ जाते हो, ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना शेयर करते हो, करा करो, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, मेहनत करते हम लोग भी आपको दिखाने के लिए, दिमाग से सोचना पड़ता कि आज क्या बताना है हमको YouTube फैमिली को, अच्छी अच्छी चीज़ें। ठीक है, बाय बाय।